मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज नाइन। पिठोरिया थाना क्षेत्र के बत्ता कनादू निवासी 45 वर्षीय शमीम अंसारी का शव गांव के एक कुएं में अहले सुबह देखा गया। बता दें कि पिठोरिया थाना अंतर्गत कनादू निवासी शमीम अंसारी 2 जनवरी को घर से लापता हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने पिठोरिया थाना में 3 तारीख को गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। गांव के ही तालाब के बगल में खेत में लापता शमीम अंसारी का चप्पल ग्रामीणों को मिला था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। वहीं आज ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को जिस तालाब के किनारे गुमशुदा शमीम अंसारी का शर्ट और चप्पल बरामद हुआ, उससे 500 फीट की दूरी पर स्थित कुएं में गुरुवार की सुबह शमीम अंसारी का तैरता लाश मिला है। लाश की खबर मिलते ही घटनास्थल पर गांव के लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से लाश को कुएं से बाहर निकाला गया। परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि शमीम अंसारी की हत्या करके अपराधियों द्वारा कुएं में लाश को डाल दिया गया है। प्रशासन से तो डिमांड कहाँ कर सकते हैं, प्रशासन अभी तक तो देख रहे हैं कुछ किया नहीं। जो ढीले से लिए है सो है, अभी खाली पोस्टमार्टम के लिए किया है। अब वहाँ से आने का बाद आप लोग गांव बवैया, हम तो वैसा कुछ बोल नहीं भी सकते। गांव बवैया सदर सेक्रेटरी कमेटी का आदमी जितना भी है, हम उसी में सहमत हैं, ठीक है। और रहा सवाल कि अगर मेरा बाप को वैसा लापता हुआ है तो जिसका जिसका हम नाम दिए हैं बस विजिट किया जाए और उसका सब पूछताछ किया जाए। आखिर यहाँ बैठा उसका तुम लोग देखा तो फिर उसका बात घर का है नहीं किया। परिवार के लिए कहा सरकार से डिमांड करे, इंसाफ चाहिए। और शमीम अंसारी का शव कुआं में बरामद हुई और बरामद होने के बाद हम लोगों ने सरकार से कुछ मांग पत्र लिखा है, जिसमें एक जनवितरण प्रणाली की दुकान की मांग की है, या तो फिर एक मिनी जो आपका टोला मोहल्ला में होता है आंगनवाड़ी केंद्र, उसके लिए प्रावधान रखा है। सरकार से हमारी ये मांग है, क्योंकि उसका औरत का आगे पीछे और कोई बचा नहीं, पति था और उसी के माध्यम से उसका गुजारा हो रहा था, यही हम लोग का मांग है। और उनके परिजनों के द्वारा 3 व्यक्ति पर नेम्ड FIR भी किया गया है, आगे पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। और अधिक खबरों के लिए देखते रहें झारखंड न्यूज 9।